मंच पे उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सिंचाई मंत्री संजय झा जी, माननीय प्रभारी मंत्री मंसूरी साहब जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री सरबजीत जी, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायक, विधायक, सभी माननीय अधिकारी, मुख्य सचिव आमिर सुभानी साहब जी, सिद्धार्थ जी, संजय अग्रवाल जी, संजीव हंसी, जिला के आईजी, एसएसपी, डीएम और मेरे मीडिया के मित्रगण, बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं। हमारे सभी यहाँ अभिभावक मॉन्ग से लेकर के सभी हमारे भाइयों, सबसे पहले आज बोध गया की धरती पर, गया की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घर गंगा जल पहुँचे इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। दक्षिण बिहार ज़्यादातर सूखा से प्रभावित रहा है, पानी पीने का संकट, सिंचाई का संकट, अब आप समझिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जहाँ वाटर टैंक से पानी की पूर्ति की जाती थी, उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता था, जल नहीं मिल पाता था, कितनी बड़ी परेशानी थी। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया, गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। और हर घर गंगा जल मिल रहा है, केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं आई, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड हैं। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ये अपना परिचय इन्होंने दिया कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते रहते हैं कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गू नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गू नदी है, जहां इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था, उसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता, किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिली जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गू नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई है। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये गरीब जनता के लिए है। ये जो सोसाइटी में अपने बैक बेंचर जो है, अपने सोसाइटी के जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की है। ये गरीबों को आगे बढ़ाने की है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाज में अमन चैन जो है ये कायम रहे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अब आप देखिएगा अस्पतालों की स्थिति जो है, पहले जर्जर हुआ करती थी, अब जो है कितना बड़ा सुधार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे दवा की बात हो, या पढ़ाई की बात हो, या सिंचाई की बात हो, या कमाई की बात हो, या सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, हमारी सरकार इनके नेतृत्व में हर एक दिशा में काम कर रही है। कहीं जो है कोई ऐसा चीज जो छूटे ना, हर एक चीजों का बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है नहीं। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इतिहास जो है, ठीक ही कहा मांझी जी ने कि भाई ये पीढ़ियां सोचेंगे कि ये फाल्गू नदी, जब इतिहास पढ़ेंगे कि इसमें तो कोर कोर करके लोग जल छिड़कता था, अब डुबकी लगा रहा है, तो ये कारनामा कब हुआ,
लोग बोलेगा ना कि भाई नीतीश जी के द्वारा हुआ, महागठबंधन सरकार द्वारा हुआ, और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग सभी लोग सातों पार्टियों के लोग जो है इनका अंग बने और मजबूती से हम लोग जो है सरकार चला रहे हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। अब कुछ लोग तो बोलता ही रहता, जंगल राज आ गया, बताइए गंगा जी को ले आया गया, जंगल राज हो गया, लाखों के तादाद में नियुक्तियां पत्र बट रही हैं, लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब घोषणा कर दिया कि अब जो है हर विभागों में जितना रिक्त पड़ा पद है उसको भरा ही जाएगा, बल्कि बढ़ाया भी जाएगा, पद भी क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका बेरोजगारी था, तो आप सोचिए कि बेरोजगारी, जहां देश में कहीं नौकरियां नहीं दी जा रही, वहां बिहार में नीतीश जी और महागठबंधन द्वारा नौकरियां दी जा रही है, और भी सरकारी नौकरी, रोजगार के भी जो संभावनाएं है सरकार जो है हर एक तरीके से देख रही है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो इस बात को, जो काम हो रहा है, आप लोग कहीं भी जाते हैं या बैठते हैं, ये टूरिस्ट वाला जगह है, जरा बताइए कि कितना काम हो रहा है हर एक चीज। और आप लोग सब लोगों से कहेंगे कि बड़े संख्या में यहाँ लोग आते हैं, उनका स्वागत कीजिए, मेहमान नवाजी कीजिए, ताकि बिहार की छवि जो है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका प्रचार प्रसार हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, इनके तमाम अधिकारी को धन्यवाद देते हैं, जितने इसमें इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हैं और जितने मजदूर भाई लगे हैं, उन सबको हम धन्यवाद देके अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।